अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप दोस्त? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज का कोई प्लान मेरा ऐसा है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में हमालिया में जो डेकोरेशंस और लाइटिंग वगैरह हुई है, तो मेरा मूड बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरा ख़ुद भी दिल कर रहा है, क्योंकि मुझे, मैं कल भी सोच रहा था और परसों भी, टाइम निकले और मैं देखूँ कि हमारा सिटी कितना प्यारा डेकोरेट किया गया है, जिसको जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, जिसका जितना दिल किया है उसने उतना, मतलब अपने हद तक डेकोरेट किया है, सजाया है। तो वो देखने निकलते हैं और साथ में आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले अपनी मस्जिद दिखाऊँगा, अपनी मेन गली जो है हमारी स्ट्रीट। और अभी 9:30 हो रहे हैं और गली में अभी रौनक बाकी है। हमारे प्यारे पप्पू भाई हैं, उनकी तरफ चलता हूँ। तो ट्राई करता हूँ कि उनको साथ लूँ। एक बंदा हो वो मज़ा नहीं आएगा, दो के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। तो गलियों में अभी हलचल है, लोग निकले हुए हैं बाइट लाइटिंग वगैरह देखने को, एंजॉय करने को, और अपने बच्चों को मतलब प्यारे प्यारे सीन दिखाने को। बच्चे खुश होते हैं लाइटिंग वगैरह देख के, लाइटिंग वगैरह देख के। और दूसरा ये है कि पास ही में ना बड़ी महफिल है, तो उस वजह से भी काफ़ी हलचल है इधर हमारी गलियों में। तो निकलते हैं, बाइक पर चलता हूँ। और बाइक में पेट्रोल नहीं है, अभी पेट्रोल भी डलवाना है। पेट्रोल डलवा कर, फ्यूल करवा कर थोड़ा बहुत, तो फिर निकलते हैं। दोस्तों पप्पू भाई के पास पहुंच गए हैं। तो पप्पू भाई का भी अपना चैनल है और उस चैनल पे इनका बड़ा प्यारा नारा है, नारा तोड़ा भाई तो तोड़ा दोस्त, नहीं तोड़ा दोस्त तो तोड़ा भाई, पप्पू भाई, पप्पू भाई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? उम्मीद करता हूं सारे ठीक होंगे। अल्लाह ताला शुक्र है, तुहाडियां दुआना, तुहाडा वीर पप्पू भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक है, तुहाडा दोस्त है, तुहाडा भाई पप्पू भाई, पप्पू भाई हुण आई समझ आया? नारा नहीं गा हैगा, एक साडा डायलॉग डायलॉग केड़े दा 14 अगस्त दा जलूस च फिरंदे आ यार, जंदी गल यार। दोस्तों पप्पू भाई के व्लॉग में मैं आया था, तो उसमें बाइक मैंने ड्राइव किया, तो आज पप्पू भाई के हवाले मैंने अपने बाइक की है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मोटरसाइकिल ते रहना है, गुआच गई ते बाद दे वे सुबह साडी लड़ाई हुई है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने, जितना हमसे हो सकता है ना हम आपको व्यू दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं पप्पू भाई के एरिया की मस्जिद से, और ये गली में हम स्ट्रीट में खड़े हैं। जी जी पप्पू भाई, दोस्तों तुहानू शहर दिखाऊंगे सजाया होया, तो बहुत ही वधिया जी, तो मज़े ही मज़े है जी, माशाल्लाह। माता सजाई शादी नहीं, सरकार दी आमद मरहबा, मरहबा दी आमद मरहबा, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। ठीक है दोस्तों, 12 रबी अव्वल दे सिलसिले दे विच शहर साडी लाइटिंग आया है, ओ तुहानू मुकम्मल दिखावांगे। वीडियो नूं स्किप ना करियो, अगे यकीन करो मजे ही मजे है, ते साडे सरकार दी आमद आ जी, ते खुशियां ही खुशियां। तो माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं, लाइटिंग हुई हुई है मस्जिद में, और स्पेशली गली में भी हुई हुई है 12 रबी अव्वल के सिलसिला में। तो अभी निकलते हैं और करीबी एक एरिया है हशमा चौक, वो दिखाते हैं, बहुत प्यारा सजा हुआ, बहुत प्यारी लाइटिंग हुई हुई है, और बाकी एरियाज भी आपको विजिट करवाते हैं। आ
सर
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के दिन का आगाज़ दुरूद व सलाम की प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनते हुए हुआ है। जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है और आज की रूटीन में आपको जितनी मेरे से हो सकी है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं ज़ीशान कॉलोनी कमालिया में, वहाँ से जो मेन जुलूस है ईद के दिन का वहाँ से बरामद होगा, वहाँ से निकलेंगे हम। और मेरे बैग में उलमा इकराम का पानी है, तो रास्ते में अगर उलमा इकराम को पानी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको पानी सर्व करूँगा इंशाल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है और सर्दी है अभी इस वक्त, दोपहर को गर्मी हो जाती है, जी भी मौसम चल रहा है आजकल। और साथ में मेरे अबू हैं, तो अबू को भी मैं आज आपसे मिलवा देता हूँ। अबू जी सलाम अलैकुम। अबू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बुखार है थोड़ा सा, और अभी हम ना सियालवी साहब जो हमारे प्यारे आलिम हैं हमारे इलाके के, तो अलामा सादिक सियालवी साहब उनकी तरफ जा रहे हैं और रोड पे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुबल्ले के यूरोप एशिया, यूरोप एशिया में, यूरोप में भी वो जाते हैं मतलब खिताबत वगैरह करने, तो हमारा शुरू से ही उनके साथ रابطہ है। तो अभी चल रहे हैं, फिर वहाँ जाके बात होती है। सोले
नसीब हमें।